हेलो फ्रेंड, मैं हूँ फियाज और वेलकम है आपका आपके ही चैनल एफके नॉलेज हिंदी में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत से ऐसे वर्ड के फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं अब बताऊँगा सी ए बी, सी ए ए, एन आर सी, एन पी आर, एन आर आई, सी एन एन, एस एस सी, ए सी पी, डी एस पी, पी एस सी, एस पी, आई टी, डब्ल्यू टी ओ, एस टी डी, आई आर ए, एस ए आर एस, वी आई टी, आर पी एफ, ए ई पी सी, एन एस डी एल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इनके शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे देखने के बाद तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सी ए बी, तो दोस्तों जैसे कि आपने सी ए बी का नाम सुना होगा, मगर इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो सी ए बी, सी बी ए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट आता है दोस्तों सी ए ए, सी ए ए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सी सी ए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आता है एन आर सी। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं एन आर सी का जिक्र हमारे इंडिया पे बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, एन आर सी का फुल फॉर्म क्या होता है? एन आर सी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट है दोस्तों एन पी आर। तो दोस्तों, एन पी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? एन पी आर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो एन पी आर होता है क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एन पी आर का मतलब होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, माने इनके द्वारा हमारे इंडिया पे जितने भी जनसंख्या है उन सबों का एक रजिस्टर होता है। जैसे कि हमारे देश में आज 135 करोड़ जनसंख्या हो चुका है, तो इसी तरह के हर 10 साल के बाद एनपीआर होता है, जिससे आप किन कास्ट के हैं, किन धर्म के हैं और कितने तरीका के लोग हैं, हर लोग क्या करते हैं, उनके माँ बाप कहाँ थे, ये सब इस एनपीआर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। और उसके बाद में एक रिज़ल्ट आता है कि टोटल इंडिया में कितने लोग हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में एनपीआर का मतलब जान चुके होंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों एनआरआई। एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने एनआरआई का नाम सुना होगा, तो आई होप इस वीडियो में आप जान पाए होंगे कि एनआरआई का मतलब क्या होता है। एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि जो शख्स इंडिया का नहीं है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सीएनएन। सीएनएन का मतलब होता है केबल न्यूज़ नेटवर्क। नेक्स्ट है एसएससी। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है एसीपी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने एसीपी का नाम तो सुना ही होगा, और इस वीडियो में आपको इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं बता देता हूँ। एसीपी का मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। नेक्स्ट आता है डीएसपी। तो दोस्तों, डीएसपी का भी नाम आपने सुना होगा, इनके पोस्ट के बारे में भी आपने जाना होगा। तो डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट है दोस्तों पीएससी। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट है दोस्तों एसपी। तो दोस्तों, एसपी का भी नाम आपने सुना होगा, मगर इस वीडियो में आप उनके फुल फॉर्म जान लें। एसपी का मतलब होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट आता है आईटी। आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट डब्ल्यू टी ओ। डब्ल्यू टी ओ का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले हैं, इन सब वर्ड को यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मगर इनके फुल फॉर्म क्या है आपने इस वीडियो में जाना। तो इसी तरह का के वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक मिलती रहे और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो हर उन शख्स तक पहुंचती रहे जिन्हें नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में जिनके पास नॉलेज है वही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसी तरह वीडियो को आज तक देखते रहें। नेक्स्ट है दोस्तों एसटीडी। तो आपने एसटीडी का नाम सुना जरूर होगा, मगर एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आज जान लेते हैं। एसटी का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नेक्स्ट आता है IRA, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। नेक्स्ट आता है SARS, फुल फॉर्म सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट वैट। दोस्तों वैट आपने सुना होगा, जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जिसमें आपको वैट दिया जाता है, यानी कि वैट का टैक्स दिया जाता है। जैसे कि टैक्स होता है उसी तरीका का वैट होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आप वैट के फुल फॉर्म जानेंगे। तो वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट दोस्तों RPF। तो दोस्तों RPF आपने सुना होगा, जैसे कि RPF का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि जो अहदा के लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में रहते हैं उन्हें कहा जाता है RPF। नेक्स्ट है दोस्तों APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेक्स्ट है दोस्तों NSPL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि हर इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन और नॉलेजेबल वीडियो आप तक भी मिलती रहे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।